What's up guys? Good morning guys, everyone. So welcome to Study Mission. I hope to all of well. So happy Friendship Day to all of you. So हम लोग ने कल Friendship Day मनाया था और I hope कि आप लोग ने भी मनाया और enjoy किया होंगे थोड़ा बहुत संडे को और संडे के साथ साथ Friendship Day भी. So आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और ये लेक्चर बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही नॉलेजबल रहने वाली है क्योंकि इसमें आपको करंट अफेयर्स अगर आप यहाँ से तैयार कर लेते हैं तो आपका करंट अफेयर्स पूरे मुट्ठी में हो जाएगी. एक वीक का करंट अफेयर्स 10 टॉप 10 क्वेश्चंस और इसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि यहाँ पे पूरे डिटेल में डिस्कस की जाती है. तो जितना मज़ा हमको इस पीडीएफ को पीपीटी को बनाने में लगा है उतना ही मज़ा आपको पढ़ाने में लूँगा. और आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं और इंटरेस्ट रखेंगे इसमें इंटरेस्ट तो आपको और ज़्यादा नॉलेज यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपका करंट अफेयर्स आपके एकदम मुट्ठी में होगा. जी हाँ, तो आइए मैं इतना वादा कर सकता हूँ कि आपका करंट अफेयर्स यहाँ से एक भी नहीं छूटेगा और एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पर डीपली डिस्कस किया जाएगा, एक एक टॉपिक को डीपली डिस्कस किया जाएगा. तो जितना मेहनत इस वीडियो को इस पीपीटी को बनाने में लगता है सेकेंडों लगेगा आपको इसको लाइक करने में और शेयर करने में. तो अच्छा लगे तो शेयर करिए और लाइक करिए. सो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर. सो अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सो आइए क्वेश्चन फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन विच सिटी हैज रिपोर्टेड द फर्स्ट केस ऑफ द मंकी पॉक्स. जी हाँ, मंकी पॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे. तो मंकी पॉक्स क्या है? तो एक वायरस है. तो अभी कौन से सिटी में नया रिपोर्ट देखने का ये फर्स्ट केस मंकी पॉक्स का? तो ये प्रोटेक्ट करने की बात हम लोग अगर करते हैं तो प्रोटेक्ट जो है डिजीज कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन प्रिवेंशन की बात करते हैं जो सेंटर के द्वारा दिया गया था. तो प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड अदर फ्रॉम द कोविड-19. तो दूसरे को और अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए कोविड-19 से. जो भी आजकल जो हमारा प्रिकॉशन चल रहा है, आपका नॉर्मल प्रिकॉशन जो है, जो कि आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, फिर क्लीनिंग करना है अपने रूम को, अपने हैंड्स को, तो वही चीज़ सब है. तो आपको प्रिकॉशंस बहुत जरूरी रखना है. तो यही चीज़ है कि आपको प्रिकॉशंस रखना है. आइए टेक्सस की बात करते हैं. तो टेक्सस इसका आंसर है यहाँ पे. तो टेक्सस सिटी में ये अभी केस देखने को मिला है. तो किसका केस? तो कोविड-19 का केस नहीं है, ये मंकी पॉक्स का केस है. ये भी एक वायरस है, ठीक है? तो इसका भी बचाव वही है. तो टेक्सस सिटी में है, बात करते हैं. तो ये ग्लेवेस्टन कंट्री में, यहाँ पे यूएस में स्टेट है एक, उसका सिटी देखने को मिलेगा. ये लोकेटेड है साउथ वेस्ट शोरलाइन में, ठीक है? तो ग्लेवेस्टन जो बे ऑफ है तो यहाँ पे इस सिटी को देखने को मिलेगा लोकेटेड. तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं. डीप वाटर है ये पोर्ट, डीप वाटर पोर्ट में आपको देखने को मिलेगा ये सिटी, गल्फ ऑफ कास्ट के क्षेत्र में, ठीक है? तो पेट्रोलियम जो रिफॉर्मिंग होता है, जो पेट्रो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर होता है, ये इसी सेट में सिटी में देखने को मिलता है, ठीक है? सो आई होप कि इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानकारी लिए होंगे यहाँ से. सो और कुछ भी आप अगर इसके बारे में जानते हैं तो जरूर कमेंट करिए ताकि और लोग जान पाए और ज़्यादा नॉलेज ले सके. हाउ मैनी क्रॉसेस हैज करोड़ क्रॉसेस द फिगर ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन इन इंडिया. तो 40 करोड़ अभी हम लोग वैक्सीनेशन कर चुके हैं इंडिया में. बात करें थोड़ा सा इसके वैक्सीन की, तो जो कोविशील्ड वैक्सीन है, इंडिया के दो वैक्सीन हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन. तो दोनों वैक्सीन का नाम पता होना चाहिए. तो कोविशील्ड की बारे में बात करते हैं. तो कोविशील्ड वैक्सीन जो है, ये वैक्सीन क्या एम क्या था कि प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट कोविड-19 से, और इसको मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंटिंग या एस्ट्राजेनिक किससे किया गया है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है. तो एस्ट्राजेनिक से किया गया है, इसका नाम आप लोग याद रखेंगे. इस रिसर्चर नेम यहाँ है AZD1222. तो यहाँ पे रिसर्चर नेम दिया गया है. वैक्सीन टाइप नॉन डिप्लेटिंग है, वायरस वेक्टर है, और एडमिनिस्ट्रेशन मेथड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंट्रामेस्कुलर इंजेक्शन के द्वारा यहाँ पे किया गया है. कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन इंडिया का ही है, तो भी इंडोजेनियस को वैक्सीन बोलते हैं.
तो ये भी भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये आपसे दो क्वेश्चन बन सकता है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो कोविशील्ड के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है, लेकिन कोवैक्सीन जो है आपका भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा पूछा जा सकता है। बात कर ही लेते हैं ICMR के द्वारा यहाँ पर इसको अप्रूव किया गया है, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसको बोलते हैं। आप लोगों को इसको पता होगा बारे में। तो बायोटेक में भारत बायोटेक है वो डेवलप किया है हमारा कौन सा वैक्सीन, तो कोवैक्सीन, इसको आप लोग ध्यान देना है। ठीक है, आइए हम लोग ICMR के बारे में बात ही कर लेते हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जिसको बोलते हैं, ये एपेक्स बॉडी है एक प्रकार का, जो कि इंडिया का फॉर्मुलेशन कोऑर्डिनेट करता है और प्रमोट करता है बायोमेडिकल रिसर्च में, जो कि रिसर्च करता रहता है और हमारा वैक्सीन बनाने में भी काफ़ी यहाँ से मदद मिली है इस रिसर्चर के साथ साथ। तो यहाँ पे साइंटिस्ट आपको लगे हुए हैं, हेडक्वार्टर से क्या न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और इसको फाउंड किया गया था 1911 में। ठीक है, इतना कुछ जानकारी रख सकते हैं। अगर हम ICMR के बारे में बात कर ही लिए हैं तो WHO के बारे में बात कर ही लेते हैं, क्योंकि हम हेल्थ के लिए बात कर रहे हैं। जहाँ पे हेल्थ की बात आती है WHO की बात जरूर होती है। तो WHO के अगर बात करें तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक नंबर का मार्क आपका आता है, ये मार्क का कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये स्पेशलिस्ट है, एजेंसी है, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, ये UN का है, रिस्पॉन्सिबल करता है और ये इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी कंट्री में कोई भी सिचुएशन होती है तो WHO हैंडल करता है उसको और WHO गाइडलाइन देता है। कोई भी गाइडलाइन होता है, COVID-19 का गाइडलाइन हो या कोई भी गाइडलाइन हो हेल्थ के रिलेटेड, यहाँ पर WHO के द्वारा की जाती है। ठीक है, सो आई होप कि इसको आप लोग अंडरस्टैंड किए होंगे। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा और ये 6 सेमी ऑटोनोमियस रीजनल बीस का ऑफिसर है। ठीक है, यानी कि इसका ऑफिस भी है 6, तो 150 फील्ड में ऑफिसर्स वर्ल्ड वाइड में आपको देखने को मिलेगा इसका। जैसे कि ICMR जो है ये WHO का ही एक प्रकार से मतलब कि काम करता है, तो ICMR हमारा इंडिया का हो गया, तो ऐसे ही ये WHO है जो कि पूरे वर्ल्ड का काम करता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें थोड़ा सा, तो इसके WHO प्रोनाउंसिएशन करते हैं, यानी कि WHO बोलते हैं इसको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसके लिए पढ़ सकते हैं आप। फाउंडेशन किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, 73 साल इसके हो गए हमारा ये आपको इस्टेब्लिश किया हुआ है। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर पड़ेगा, मैंने बता भी दिया। डायरेक्टर जनरल इसके कौन है, तो ट्रेडर्स अंडूनम इसके डायरेक्टर जनरल हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर ये काम करता है और इसका बजट आता है। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ से जानकारी लिए होंगे आप। इसके वेबसाइट पर जा सकते हैं, नॉर्मली इसके वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं इसके बारे में और डिटेल्स। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। विच इंटीग्रेटेड रेटिंग हैज बीन रिलीज बाय द प्राइम पावर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट इन न्यू दिल्ली, तो 9th नंबर का ये अभी किया गया है। बात करें तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट क्या होता है, PDU इसको बोलते हैं। ये डिवाइस एक प्रकार का ये फिट करता है, मल्टीपल आउटपुट्स डिजाइन करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिक पावर स्पेशली। ठीक है, ये रिस्क ऑफ कंप्यूटर्स है, नेटवर्किंग इंक्रीमेंट इलेक्ट्रेड है, यानी कि डाटा सेंटर्स के द्वारा यहाँ पर डाटा इकट्ठा किया जाता है, जो कि ये हमारे कंप्यूटर के द्वारा काम किया जाता है। चैलेंजेस जो होती हैं हमारे लाइफ में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, चैलेंजेस को मैनेजमेंट करने के लिए, सोल्यूशन देने के लिए ये काम करता है। ठीक है, हर एक स्टेट वाइज में। सो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फॉर विच टाइम बासर असाद हैज बीन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द सीरिया, तो ये 4th टाइम बने हैं, इनका नाम बासर असाद है, जो कि हमारे सीरिया के प्रेसिडेंट बने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु हैज लॉन्चड द कैंपेनिंग सेफ फॉरेस्ट धन एंड उद्यम विद कोविड वैक्सीन, इसके बारे में एक्चुअली मुझे डिटेल में पता नहीं चल पाया। तो अगर आपको पता है या आप नेट पर सर्च करिएगा, आपको शायद मिले सेफ फॉरेस्ट धन एंड उद्यम विद कोविड वैक्सीन। तो कोविड वैक्सीन में सेफ फॉरेस्ट धन उद्यम ये कैंपेनिंग चला गया था, योजना चला था, तो अर्जुन मुंडा के द्वारा चलाया गया था और ये किस स्टेट में चलाया गया था, क्या पूरी कंट्री में चला गया था, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा जानकारी लीजिएगा। तो इसके बारे में थोड़ा मैं जानकारी लेना चाहा बट हमको मिला नहीं। सो इसके लिए अगर आपको पता है तो थोड़ा सा तो कमेंट जरूर करिएगा।
क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इन विच स्टेट श्री राजीव रंजन मिश्रा हैज अप्रूव्ड द न्यू प्रोजेक्ट्स फॉर द रिवाइवल ऑफ द सिक्स पॉल्यूटेड रिवर्स। तो उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के लिए यहाँ पे अभी रंजना मिश्रा जी अप्रूव किए हैं न्यू प्रोजेक्ट बचाने के लिए, सिक्स पॉल्यूटेड रिवर्स को यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको सही करने के लिए, उस पर काम करने के लिए उत्तराखंड के ये हमारे किया गया है, उत्तराखंड स्टेट के द्वारा। उत्तराखंड की बात करें तो नॉर्थन इंडिया का एक स्टेट है जो कि हिमालय के आपको एक क्रॉस देखने को मिलेगा, और इसको हिंदू पिलग्रिमेज साइट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान देने के ऋषिकेश मेजर सेंटर ऑफ योगा स्टडी एंड वाज मेड फेमस बाय द बीटल्स 1968 में जो विजिट आया था उसके लिए फेमस है ये। द सिटी होस्ट द इवनिंग गंगा आरती, गंगा आरती के इवनिंग से स्पेशल है, और ये स्पिरिचुअल एक गैदरिंग है जो कि स्टेट गंगा रिवर के आपको देखने को मिलेगा इसमें, और स्टेट फॉरेस्ट जिम कैरिबेट नेशन पार्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, बंगाल टाइगर्स और ये नेटिव वाइल्ड लाइफ आपको यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड लाइफ और आपको नेचुरल चीज़ें आपको देखने में मिल सकती हैं, और घूमने के लिए अच्छा स्टेट भी है। सो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, हु हैज फॉर्मलाइज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द वैक्सीनेट मोटर व्हीकल्स टू प्रमोट विंटेज व्हीकल्स। तो मोटर व्हीकल्स प्रमोट किया गया है विंटेज व्हीकल्स में, तो नितिन गडकरी जी के द्वारा यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन किया गया है, प्रमोट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, हु हैज लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन फॉर द ग्रीवेंस मैनेजमेंट पावर्ड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन न्यू दिल्ली। तो राजनाथ सिंह जी के द्वारा यहाँ पे किया गया है, ठीक है, लॉन्च किया गया एप्लीकेशन जो कि ग्रीवेंस मैनेजमेंट की बात करेगा पावर्ड, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें थोड़ा सा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है AI इसको बोलते हैं, ये हमारे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में ये काम करता है, और ये सेटअप करता है कोर कंपोनेंट जो होता है मॉडर्न सॉफ्टवेयर की बारे में बात करें, या आपके कमिंग सीयर्स में जो भी डिकेट्स आ रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसके लिए बात करें, नए टेक्नोलॉजी को अपॉर्चुनिटी के लिए बात करें, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हम विकास की बात करें, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, IT की बात करें, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे जो भी चीज़ें हैं हमारे आर्टिफिशियल के द्वारा, इंटेलिजेंट के द्वारा यहाँ पर की जाती है। तो ये इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो आई होप कि इसके बारे में आप लोग थोड़ा जानकारी लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विद अ वीक कंपनी विच कंपनी टू प्रोवाइड अ रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट विजिट टू द पैसेंजर्स। तो गूगल के द्वारा यहाँ पे पार्टनरशिप किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट को, ताकि आगे अपने चीज़ को लेकर चल सके, इंफॉर्मेशन को लेकर चल सके, ठीक है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन को लेकर चल सके। हाउ मेनी इयर्स ऑफ द स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन कितने साल हो गया कंप्लीट हुए, तो 6 ईयर्स, जी हाँ 6 साल हो गया इसको कंप्लीट हुए हुए। स्किल इंडिया की बात करें थोड़ा सा, तो स्किल इंडिया आप लोग जान ही रहे हैं कि बहुत सारे स्किल्स हमारे सेक्टर में देखने को मिले हैं इस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें थोड़ा सा, तो 2015 में ये इसको ट्रेन किया गया था स्किल ऑफ इंडिया को, 40 करोड़ लोग यहाँ से इंडियंस डिफरेंट इंडस्ट्री में रिलेटेड जॉब्स लिए हैं और इम्प्रूवमेंट किए हैं हम लोग कहीं ना कहीं वर्कफोर्स को इम्प्रूवमेंट किए हैं 2022 में, वेरियस स्कीम्स आपको निकाली गई इसके क्षेत्र सेक्टर में, तो स्किल इंडिया काफ़ी अच्छा काम किया है। सो आइए क्वेश्चन नंबर 11 है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री एंड कोऑपरेटिव इन द कुकिंग ऑयल। तो रसिया के साथ यहाँ पे यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है। सो आई होप कि इस लेक्चर में काफ़ी कुछ नया सीखने को और जानने को मिला होगा अलग अलग टॉपिक से आपको। सो अगर अच्छा लगा है वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा है, जरूर दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लाभ इसका ले सके, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये सुनकर लेक्चर और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो लगा है तो जरूर शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो, ताकि डेली अपडेट मिलता रहे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसी के साथ, इसी जोश के साथ। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।